आज हम सब लोग बड़ी तीन परियोजनाओं को लोकार्पण करने के लिए, देशार्पण करने के लिए और साथ ही में शिलान्यास करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। मैं सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ स्वागत करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने ऐसी परियोजनाओं की शुरुआत करने के लिए, शिलान्यास करने के लिए समय निकालकर यहाँ आने का कष्ट किया। आज रेल सह सड़क पुल पटना राष्ट्र को समर्पण किया जाएगा। इस पुल की आधारशिला दिनांक 3/2/2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा रखी गई थी। कम से कम जमीन का अधिग्रहण एवं कम से कम लोगों को विस्थापन करके इस पुल को बनाया गया है। इस पुल की कुल लागत 2921 करोड़ रुपया है। पटना में गंगा पर रूल के लिए वित्तीय 2009-10 से 13-14 तक पिछले 5 वर्षों में मात्र 675 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई थी, जबकि वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 तक पिछले 2 वर्षों में 740 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई, जिससे यह महत्वपूर्ण योजना पूरी हो गई जो हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा हमें कहते आए हैं। इस पुल को 2 रेल लाइन बनाना गया है। अभी तत्काल में इसमें 1 रेल लाइन बनाई गई है। इसके सुपरस्ट्रक्चर में बहुत सारा सीमेंट स्टील का भी इस्तेमाल किया गया, जिसके कारण और भी हमारी अर्थव्यवस्था को लाभ हुआ है। यह पुल उत्तर बिहार एवं नेपाल की उद्योगीकरण में एक दूरगामी कदम साबित होगा, क्योंकि दोनों उपभोक्ता सामग्रियों के महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र है। साथ ही में आज हम रेल सह सड़क पुल मुंगेर को भी एक साहेबपुर कुमार छोर से मालगाड़ी के परिचालन के शुभारंभ प्रधानमंत्री जी हरा झंडा दिखाकर करेंगे। इस पुल की आधारशिला 25 दिसंबर 2002 जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा उनके जन्मतिथि दिन पर कराया गया था। इस पुल के निर्माण पर भी 2774 करोड़ रुपए की लागत की गई है। मुंगेर में गंगा पर रेल पुल के लिए वित्तीय 2009-10 से 2013-14 पिछले 5 वर्षों में 579 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई थी, जबकि इतनी राशि उस 516 करोड़ सिर्फ 2 सालों में जब प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी बने उसके बाद में हमने की है। साथ ही में आज रेल पुल मोकामा का शिलान्यास भी किया जाएगा। मोकामा के पास गंगा नदी पर स्थित रेल सह सड़क पुल राजेंद्र पुल 1 मई 1959 में किया गया था। आपको पता है इसके बाद में यातायात बढ़ गई, आबादी बढ़ गई, लोगों की दिक्कतें भी साथ में ही बढ़ गई। इस बजट में, इस 2015-16 के बजट में हम लोगों ने इस नए रूल की स्वीकृति की गई और यह नए पुल राजेंद्र पुल के समांतर एवं पुल से 25 मीटर नदी के ऊपरी धारा को और बनाया जाएगा। इस पुल में दोहरी लाइन का प्रावधान होगा। मैं मानता हूं कि ऐसी सभी परियोजना पूरी करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने तो हमेशा इसका आग्रह किया। हमारे सभी मंत्री यहां पर मौजूद है, सुशील जी है, हमारे सभी लोगों ने भी लगातार उसके पीछे पड़कर एक योजना पूरी हो गई। इसके लिए मुझे लगता है इसके कारण लोगों को भी बहुत बड़ा फायदा होगा। रेल बजट 2016-17 में जो अभी पेश किया गया, बिहार राज्य की रेल परियोजना के लिए कुल 3,171 करोड़ रुपया दिया गया है। यह राशि इसके पिछले रेल बजट के तुलना में 29% अधिक है। और साथ ही में मैं आपको कहना चाहता हूं, और एक सुन के आप सबको खुशी होगी कि हमने 2013-14 में बिहार का बजट था रेल का 1,244 करोड़ रुपया, हमने 15-16 में 2,490 करोड़ का दिया और इस साल में 3,171 करोड़ रुपया बिहार के लिए दिया है। ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे लिए बिहार का विकास एक बहुत बड़ी प्राथमिकता है, हमारे लिए एक बहुत बड़ी विकास करने की एक चुनौती है, और उसके साथ मिलने के लिए हमने पूरी तरह से इस परियोजनाओं को शुरू करने की काम की शुरुआत की है। मैं दोबारा सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ यहाँ आने के लिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी हमेशा सहयोग रहा है, अभी भी बिहार सरकार ने भी इसके लिए जो अच्छी सहयोगता दी है उसके लिए भी उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद।
मैडम लगार्ड, दिस इवेंट इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ योर फॉन्डनेस फॉर इंडिया एंड एशिया. आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन बीइंग अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर अ सेकेंड टर्म. दिस रिफ्लेक्ट्स द कॉन्फिडेंस द वर्ल्ड हैज इन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी and your ability to lead this institution.